इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी जो टिप है ये डिस्क्राइब कर रही है आर्क ऑफ, इसकी टिप जो है सेंटर है और ये जो ये देखो तो ऐसे हिलता भी तो है, तो ये बॉल यहां पर भी जाएगी फिर ये बॉल यहां तक जाएगी, तो ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो देखो एक ये क्या बन रहा है, एक सर्कल के एक भाग जैसा बन रहा है ना, ठीक है, एक सर्कल होता है ये, ठीक है, मान लो ये सेंटर है, ये भी इसका सेंटर है, यहां से इसकी दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर है और ये जो है ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये क्या लेंथ ऑफ आर्क होती है, ये है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है और ये हमें 75 सेंटीमीटर, देखिए 75 सेंटीमीटर क्या होगा इसका, ये 75 सेंटीमीटर इसकी रेडियस तो ये होगी, ये जो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रही है इसकी रेडियस तो ये होगी 75, तो ये होगी 75 सेंटीमीटर लेंथ। ये जो एल है हमें हर के लिए अलग अलग दे रखा है, फर्स्ट सेकंड पार्ट देखना, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखे हैं एल, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है, हर क्वेश्चन के लिए हमें लेंथ ऑफ आर्क अलग दे रखी है। फर्स्ट पार्ट करोगे तो 10 सेंटीमीटर लिखनी पड़ेगी, फिर 15, फिर 21, और हमें रेडियस दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ थीटा फाइंड करना है, यानी कि ये जो इसका एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा ये फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल टू हम सब जानते हैं, थीटा इक्वल टू मैं 1 लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब ये थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन में आर, ठीक है, आर वन इक्वल टू क्या होगा, ये एल की प्लेस में क्या पुट करूंगा 10 पुट करूंगा, आर की प्लेस में क्या पुट करूंगा 75 पुट कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, कितना आ जाएगा आंसर 5 2 10 5 5 5 5 25 कितना आएगा 2/15 आएगा आंसर, ठीक है 2/15 आएगा, ये आएगा हमारा रेडियन में, ठीक है, हमेशा रेडियन में आएगा इसका आंसर, इक्वल टू अब कितना हो गया L2/R2, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसका सॉल्व में, सेकंड पार्ट में क्या होगा 15/75 तो इसका कितना आएगा थीटा 2 आएगा इसका 1/15। अब करता हूँ इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है 21 सेंटीमीटर रखा है, तो थीटा 3L3/R3 इक्वल टू 21/75 तो क्या होगा 7/15 आया इसका आंसर इस वाले थीटा का, ठीक है, तो ये सब आया हमारे रेडियन में आंसर, आप देख सकते हो इसके 2/15 1/15 7/25। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।